मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वी हैव कम्प्लीटेड टिल एक्सरसाइज नंबर बी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. दैट इज आंसर दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर सी. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द कलर्स क्वारलिंग. तो जो कलर्स थे वो लड़ाई क्यों कर रहे थे. एवरी कलर वॉन्ट टू शो हिमसेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सारे के सारे कलर एक दूसरे को बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाना चाहते थे. दैट इज़ वाई दे वर क्वारलिंग. इसीलिए ही वो लड़ाई कर रहे थे. सो हम आंसर में क्या लिख रहे हैं. एवरी कलर वॉन्ट टू शो हिमसेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. दैट इज वाई दे वर क्वारलिंग. इसीलिए वो लड़ाई कर रहे थे. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड रेन आस्क द कलर्स टू डू. रेन ने कलर्स से क्या बोला करने के लिए. टू जॉइन हैंड्स विथ वन अनदर. रेन ने कहा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और खड़े हो जाओ. टू जॉइन हैंड्स विथ वन अनदर. देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ रेनबो. रेनबो का शेप कैसा बताया है स्टोरी में. इट इज़ अ ग्रेट बो एंड स्ट्रेच्ड अक्रॉस द स्काई. तो हम आंसर में लिख रहे हैं इट इज़ अ ग्रेट बो. एक ग्रेट बो की तरह है जो स्ट्रेच है, बिल्कुल ऐसे राउंड है अक्रॉस द स्काई. किसके पास. स्काई के पास. देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी रिमेंबर व्हेन वी सी अ रेनबो. हमें क्या याद रखना चाहिए जब हम रेनबो को देखते हैं. वी शुड रिमेंबर. हमें याद रखना चाहिए दैट वी ऑल आर स्पेशल. कि हम सब स्पेशल हैं. जब भी हम रेनबो की तरफ देखते हैं, जैसे वो कलर्स हमें वो कितना स्पेशल दिखता है रेनबो, वैसे ही हमें याद रखना है कि दैट वी ऑल आर स्पेशल. सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड अवर फोर क्वेश्चन एंड आंसर्स. एंड दीज फोर क्वेश्चन एंड आंसर यू हैव to write in your English copy. And tomorrow we are going to continue with vocabulary exercises. Jab tak aapko ye question answers pencil se in the book and in the copy you have to complete it.